करके उल्लाह न्याय महाराज के सफल आयोजन के लिए प्रदेश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारे सहयोगी साथी का नेतृत्व यहाँ पर आए, कांग्रेस पार्टी का सपा माले राजन, आप उनको भी बहुत बहुत आभार आभार आप सबका कि थोड़ी असुविधा के बावजूद, जिसका हमें अत्यंत खेद है, आपने हमें सहयोग प्रदान किया और जो रैली के जो हमारा जो मैसेज था, जो संदेश, उनको जन जन तक पहुंचाया। कल का जन समुद्र यह बताता है कि अब देश में परिवर्तन का एक निश्चय बन चुका है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा राज से मुक्ति चाहते हैं। देखिए, रैली की जब से तैयारी हुई थी, घोषणा की गई थी, तभी से कल्पना सोरेन जी को फ्रंट फुट पे रखा गया था और मुख्यमंत्री कहीं बैक स्टेज में दिखाई दे रहे थे। और कल जब वो रैली हुई वहाँ, तो वहाँ रैली स्थल पर भी देखे होंगे कि मुख्यमंत्री को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना कल्पना सोरेन को दिया जा रहा था। तो परिवारवादी पार्टियाँ इसी तरह से अपने लोगों को स्थापित करती हैं और कहीं ना कहीं जो जुटान था उसमें आपने भी देखा होगा कि हर लोग जो है अपने परिवार की चिंता में थे कि कैसे आगे आने वाली पीढ़ी को स्थापित करें। कोई अपने पति की लिगेसी को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई अपने पिता की लिगेसी को आगे बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए जनता भी देख समझ रही है और समय आने पर माकूल जवाब वोट के माध्यम से देगी। देखिए, संशय के जो बादल हैं, मैं समझता हूँ उसको तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दूर कर सकती है। उनके ओर से कोई बयान इस तरह का अब तक आया भी नहीं है। और एक बयान तो सुदीप सोनू जी का आया कि भावी मुख्यमंत्री हो सकती हैं ये, तो निश्चित रूप से एक संकेत है कि उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से रैली की तैयारियों के दौरान उनकी भूमिका को नगण्य रखा गया, तो ये समझ में आता है कि चंपई सोरेन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि परिवार की जो सदस्य है वो महत्वपूर्ण है। तक इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि कल जिस तरह से मैदान में एक दूसरे के समर्थक आपस में गुथम गुथी हो गए, मारपीट हो गई, तो एकजुटता का जो ये नारा है ना, इनका खोखला साबित होता है। और जहाँ तक प्रश्न है कि सीट शेयरिंग को भी ये लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। सुखदेव भगत लोहरदगा सीट से उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि भाई ये सीट आप छोड़ दीजिए, आप जीत नहीं सकते वहाँ। तो सीट शेयरिंग के पहले इन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन जब एक बार समझौता हो गया तो मैं समझता हूँ कि सभी दलों को उसका पालन करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारियों में लगी हुई है, हम बेवजह की बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन विपक्षी दल में खेमे में क्या चल रहा है इस पर हमारी नजर जरूर रहती है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।